हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। प्रदेश में सभी नदी नाले उफान पर हैं और जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटों में लगभग 2 दर्जन लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा मौतें शिमला जिला में हुई है। प्रदेश में हर तरफ बारिश ने खूब कहर ढाया है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में बिलासपुर के नैना देवी में 360 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं पूरे प्रदेश में 102.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो कि 2011 के बाद 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। प्रदेश में सभी नदियां नाले उफान पर है और जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटों में 19 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा 10 मौतें शिमला जिला में हुई है। प्रदेश में हर तरफ बारिश ने खूब कहर ढाया है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में बिलासपुर के नैना देवी में 360 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है। पूरे प्रदेश में 102.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है, जो कि 2011 के बाद 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश है। भारी बारिश से हुए भूस्खलन और पेड़ गिरने से अभी तक शिमला में 10 की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हाटकोटी में ट्रक पर चट्टानों के गिरने से हुई, जबकि उसका दूसरा साथी मौत से जंग लड़ रहा है। एक मौत संजौली के समिट्री में घर में मलबा आने से हुई, जबकि इसका दूसरा साथी अस्पताल में अंतिम सांसें गिन रहा है। 3 मौतें शिमला के आरटीओ ऑफिस के पास लैंडस्लाइड से हुई है, जहां 2 बेटियों सहित मां घर पर गिरे पेड़ व मलबे की भेंट चढ़ गई, जबकि पिता आईजीएमसी शिमला में गंभीर हालत में है। एक महिला की मौत जो बलहट्टी में पशुशाला में पशुओं को घास डालने के दौरान हुई। महिला पशुओं को घास डाल रही थी कि अचानक लैंडस्लाइड हो गया और वो दब गई, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं ठियोग में नाला पार करते हुए 2 नेपाली महिलाओं की मौत हो गई। इसी के साथ नारकंडा में घर पर पेड़ गिरने से 2 नेपाली व्यक्तियों की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भारी बारिश से प्रदेश में 490 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि पिछले 24 घंटों में लगभग 1.5 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रशासन को अलर्ट पर रखा है और अगर कहीं हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस हुई तो हेलीकॉप्टर को भी रेस्क्यू के लिए भेजा जाएगा। पिछले 2 दिनों से बारिश ज्यादा होने की संभावना व्यक्त की गई थी और मौसम विभाग ने पहले ही हमको इस बारे में सूचना दे दी थी। बारिश हुई भी ज़्यादा और उसके साथ नुकसान भी ज़्यादा हुआ है, और अभी तक हम ऐसा महसूस कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में जो औसतन हमारा जो मानसून का जो बरसात का बारिश का जो एक एक लिमिट रहती है उससे हम कम चल रहे थे, लेकिन पिछले 2 दिनों से बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण जो है वो नुकसान में जो है वो हम काफ़ी ज़्यादा आए हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो नुकसान हुआ 490 करोड़ का नुकसान जो है इस बरसात के कारण हुआ है, और पिछले कल और आज ही 2 दिनों में अगर हम देखें तो डेथ टोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। 11 लोगों की जान भी गई है पूरे प्रदेश में। और विचित्र परिस्थिति हमारे सामने ये है कि एक तरफ हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो रही है, बारिश के कारण जलस्तर जो है नदियों में बहुत चढ़ गया और कुछ जगह भूस्खलन कारण नुकसान हो रहा है। उधर ट्राइबल के एरिया में लाहौल स्पीति में बर्फ़ पड़ रही है, और उसके साथ साथ में जो उदयपुर के साथ हमारा जो मियाड वैली पड़ती है तो वहाँ 4 इंच से ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है। तो ये बहुत विचित्र परिस्थिति है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने जो प्रशासन को जो आदेश दिए थे, प्रशासन जो है पूरी तैयारी के साथ मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। रात भर भी हमारे अधिकारी जो है वो काम करते रहे और हर संभव जो मदद जहां पहुंचानी थी जिस रूप में करने जो मदद रेस्क्यू करना था जहां भी उस रेस्क्यू को किया गया। शिमला में जगह जगह भूस्खलन व पेड़ गिरने से अधिकतर सड़कें बंद है। शिमला में भूस्खलन व पेड़ गिरने से दर्जन भर गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। 2 बसें भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। एक बस पर जिस वक्त पेड़ गिरा उस वक्त उसमें 7 लोग थे। गनीमत रही कि बस को ही नुकसान हुआ, बाकी किसी को कोई चोट नहीं आई है। बारिश के कारण कई सड़कें बह गई है और कई घरों को खतरा उत्पन्न हो गया है। रोहड़ू की पब्बर नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। चौपाल की खड्डों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी जर्नल, शिमला।